हेलो गाइस, सभी का स्वागत है। आई होप ऑडियो और वीडियो स्टार्ट हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन के बैरियर्स की बात करने वाले हैं, वो रुकावटें, वो प्रॉब्लम्स जो कम्युनिकेशन में होती हैं और उस वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो सभी बच्चों का स्वागत है, जल्दी से सभी बच्चे आ जाओ ताकि आज हम कम्युनिकेशन के बैरियर्स को पढ़ पाएँ। और जैसा कि आप सबको पता है कि यूजीसी नेट का हम लोग फ्रेश पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, एक कम्युनिकेशन इस दौरान चल रहा है और होपफुली इस हफ्ते में कम्युनिकेशन हमारा फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और अगले हफ्ते से हम लोग फिर एक नए सेक्शन की ओर मुड़ेंगे और एक नए सेक्शन की बात करेंगे। ओके, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून है। सीमा, पूनम, अंजू, मनदीप, अनुराग, मोनिका, शुभ्रालिनी, तियासा, नेहा, प्रीति, सीमा, मेघा, लिटरेचर हब, कट्टा, रिधिमा, लीजा रानी, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अनअकैडमी का, तो KB10 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन जरूर से ले लें। क्या करना है आपको, अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाना है। दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, आइकॉनिक और प्लस। अगर हम प्लस को क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 10% डिस्काउंट, KB10 लगाने से 5% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जब ऑफर चलते हैं तो डिस्काउंट और बढ़ जाता है, 20 से 25% भी हो जाता है। तो इस कोड को जरूर से यूज किया करें। ओके, अनअकैडमी पे लाइव नहीं ले रहे हो क्योंकि अनअकैडमी अभी फिलहाल शट डाउन सा दिख रहा है ना। तो अगली क्लास वैसे 7 तारीख के लिए शेड्यूल्ड है, होपफुली तब तक अन अकेडमी खुल जाएगा, जो भी टेक्निकल ग्लिच है वो ठीक हो जाएगा, बाकी देखते हैं। ओके ओके जी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स, बैरियर्स का मतलब होता है एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स द रिसीवर फ्रॉम रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। ठीक है, तो कल हम लोग ने बेसिक मॉडल की बात की थी कि सेंडर जो है वो रिसीवर को मैसेज भेजता है। आज हम बात करेंगे वो क्या-क्या कारण है कि रिसीवर तक जो मैसेज है वो नहीं पहुंच पाता है, जिसमें सबसे पहला कारण है लैंग्वेज बैरियर। जब दो लोगों की भाषा अलग-अलग होती है, मान लीजिए ये सेंडर है, सेंडर हिंदी बोलता है, मान लीजिए ये रिसीवर है और रिसीवर इंग्लिश समझता है ना। तो अब देखो, दोनों की क्योंकि भाषा अलग-अलग है तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन को नहीं कर पाएंगे। इस वजह से यहाँ क्या होगा, लैंग्वेज बैरियर होगा। सिंपली दो अलग-अलग भाषाएं होना लैंग्वेज बैरियर में आता है। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि दो अलग-अलग भाषाएं हों, भाषा के अलावा अलग-अलग रीजनल लैंग्वेजेस भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं अलग अलग देशों की हो, रीजनल लैंग्वेजेस भी अलग अलग हो सकती हैं, है ना जी। उसके बाद अगला है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर हम तब कहते हैं जब अटेंशन की कमी हो, है ना, जब रिसीवर जो है वो अटेंशन नहीं दे रहा हो, ध्यान नहीं दे रहा हो, है ना, ध्यान नहीं दे रहा हो, तो इसको हम कहते हैं इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर। अब क्यों कोई व्यक्ति जो है ध्यान नहीं दे रहा होगा कम्युनिकेशन पे, क्योंकि उसका दिमाग कहीं और चल रहा होगा। कोई इमोशनल रीजन हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक रीजन हो सकते हैं, है ना। कोई व्यक्ति हो सकता है डरा हुआ हो किसी कारण से, कुछ और सोच रहा हो, दिमाग में कुछ और चल रहा हो। तो ये सारी चीजें हमारी साइकोलॉजिकल बैरियर में आती हैं, जो हमारे अटेंशन डेफिसिट से जुड़ी होती। ओके, क्या एनवायरमेंटल बैरियर और फिजिकल बैरियर सेम है, कह सकते हो। ओके, उसके बाद अगला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है जब आपके चारों ओर की जो फिजिकल कंडीशंस हैं, जहां पे आप बैठे हुए हो, जहां पे मान लो आप क्लास कर रहे हो, मान लो आवाज में इको है, या मान लो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना,
तो जो फिजिकल कंडीशन है, जिस कंडीशन में एक्चुअली कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें कोई ऐसा फॉल्ट है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद अगला आता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर मतलब जब दो लोगों के कल्चर अलग-अलग होते हैं, ये एक पर्सन है, ये एक निश्चित कल्चर से आया है, भाषा दोनों सेम बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है दोनों भाषा सेम बोल रहे हो लेकिन अलग-अलग कल्चर, कौन से शब्दों का चयन करना है, कौन से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होंगे, बोलने का तरीका क्या होगा, उनके वैल्यू बिलीफ क्या होंगे, ये सब अलग-अलग होंगे, है ना, ये सारी चीजें अलग-अलग होंगी। भले भाषा सेम हो लेकिन शब्दों का चयन, वैल्यू बिलीफ, एटीट्यूड, ये सब अलग-अलग होगा, जिसकी वजह से दो कल्चर के लोगों के बीच में भी कम्युनिकेशन गैप हो सकता है ना। तो बैरियर अराइज व्हेन द वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। जब रिसीवर जो है, जिसको मैसेज देना है, उसके वैल्यूज को और बिलीफ को मद्देनजर नहीं रखा जाता, कंसीडरेट नहीं किया जा कंसीडर नहीं किया जाता, तो ये कल्चरल बैरियर्स होते हैं, है ना। तो इसको कैसे हटा सकते हैं कि जब दो अलग अलग कल्चर के लोग आपस में कम्युनिकेट करें तो एक दूसरे के इमोशंस का ख्याल रखें, है ना, तो इससे कल्चरल बैरियर नहीं होता है। ओके, हाँ जी, तो फिजिकल बैरियर में आपका एक टर्म आ जाएगा नॉइस। अब नॉइस क्या होता है, जैसे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज है ना, डिस्टरबेंस जिसको आप बोल सकते हो, अगर आपके बैकग्राउंड में एक्सेसिव साउंड है ना, इको है, डिस्टेंस ज्यादा है दो लोगों के बीच में, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है, तो ये फिजिकल बैरियर में आएगा। ओके, तो कल्चरल बैरियर आप समझ गए कि जब दो कल्चर्स के बीच में जो है कुछ चीजें, वैल्यू एंड एटीट्यूड्स कॉमन नहीं होते हैं, तो कल्चरल बैरियर हो सकता है ना। ओके, उसके बाद अगला है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब है कि हमने कल जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन पढ़ा, जैसे था हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन, यानी एक था अपवर्ड कम्युनिकेशन, एक था डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, तो ये हमारे क्या है, वर्टिकल कम्युनिकेशन है। इसके अलावा एक हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, है ना, और एक हमने पढ़ा था डायगनल कम्युनिकेशन। तो इनमें अगर किसी संस्था में जहां बहुत सारे लोग होते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक कम्युनिकेशन फ्लो होता है, अगर वहां पे कोई समस्या आ रही है तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन बैरियर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट की जो सीनियर तक जानी थी, लेकिन वो किसी कारण से अटकी हुई है ना, वो जान ऊपर ऊपर नहीं जा पा रही है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, यानी कम्युनिकेशन के फ्लो में दिक्कत आ रही है। नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को फिजिकल से अलग रखा गया है, उसके लिए अलग टर्म बनाया गया है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। तो टेक्नोलॉजिकल बैरियर मतलब जब आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या इंटरनेट, इससे जुड़ी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम की वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मान लो आपके फोन के नेटवर्क में प्रॉब्लम है ना, तो इन चीज़ों की वजह से अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर में आएगा। तो जैसे मान लो वीडियो कॉल नहीं हो पा रही है, अच्छा इंटरनेट नहीं है, फोन नहीं लग पा रही, किसी को नेटवर्क नहीं आ रहा, या फिर आपके फोन के माइक में कोई दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं जा रही है ना, या तो आपके फोन के स्पीकर में दिक्कत है, आवाज नहीं आ रही, तो ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है ये तकनीक से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम इसको टेक्नोलॉजिकल बैरियर कह सकते हैं। ओके, उसके बाद है इंडिविजुअल बैरियर। इंडिविजुअल बैरियर वो बैरियर है जो एक पर्सन विशेष तक सीमित है, इसको इसलिए हम पर्सनल बैरियर भी बोल सकते हैं, है ना। तो मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो अपनी बात नहीं कह पा रहा ड्यू टू फियर, तो बाकी जितने लोग हैं उनको फियर नहीं है, केवल इस व्यक्ति विशेष को फियर है जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो ये इंडिविजुअल बैरियर होगा। मान लो कोई व्यक्ति कहीं जाने के लिए लेट हो रहा है, इसलिए उसका ध्यान नहीं है लेक्चर के ऊपर, तो लेट कौन हो रहा है, केवल यही व्यक्ति हो रहा है, और इसका अपना पर्सनल मुद्दा है, अपना पर्सनल कारण है
जिसकी वजह से इसको कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, तो इसको हम पर्सनल बैरियर या इंडिविजुअल बैरियर बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, वीडियो का स्टक हो रहा है तो वो भी हमारा टेक्नोलॉजिकल बैरियर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगला है इंस्टीट्यूशनल बैरियर, है ना। इंस्टीट्यूशनल इज सेम एज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जो हमने अभी अभी पढ़ा, है ना। कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई संस्था हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों सेम बात है। कहीं पे भी अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता तो वो उसके अंदर आएगा। और फाइनली आता है सिमेंटिक बैरियर। पुअर साउंड क्वालिटी, साउंड आपको कहां से मिल रहा है बेटा? साउंड आपको टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है या जो व्यक्ति बोल रहा है उसमें प्रॉब्लम है, है ना। तो उससे डिपेंड करेगा कि ये कौन सा बैरियर होगा। जैसे आपकी फेस टू फेस बात हो रही है और साउंड अच्छा नहीं है तो उसको हम कहेंगे कि ये फिजिकल बैरियर है। लेकिन मान लीजिए कि आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं और उसमें साउंड ठीक नहीं है तो आप बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल बैरियर, है ना। तो डिपेंड करता है ना साउंड कहां से आ रहा है, स्पीकर से साउंड निकल रहा है या रियल लाइफ में आप साउंड को सुन रहे हो। ओके, उसके बाद फाइनली है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर इज द बैरियर ऑफ मीनिंग रिलेटेड, है ना। मीनिंग जहां पे क्लियर नहीं हो रहा, लैंग्वेज सेम हो सकती है लेकिन आपको कुछ शब्दों के मीनिंग नहीं क्लियर हो रहे हैं, कुछ वर्ड्स आपको नहीं आते। जैसे जो जार्गॉन्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स की लैंग्वेज होती है ना। तो मान लो डॉक्टर्स आपस में इंग्लिश बोल रहे हैं और मान लो आपको इंग्लिश तो आती है लेकिन कुछ वो ऐसे टर्म्स बोल रहे हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे, है ना। तो जैसे डॉक्टर्स के जार्गॉन्स होते हैं या फिर प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज जिसको बोलते हैं, है ना। तो वो हमें नहीं समझ में आती, भले हमें भाषा समझ में आती है लेकिन वो कुछ शब्द हमें नहीं समझ में आते, तब भी वहां बात क्लियर नहीं हो पाती और इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक बैरियर्स, है ना। ओके ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया, बहुत इजी सा है। हालांकि इस बार बैरियर से कोई खास क्वेश्चन नहीं आया, अगर आप लोगों ने इस बार पेपर दिए होंगे तो आप लोगों को बैरियर से कोई क्वेश्चन दिखा नहीं होगा। बट इस बार को एक्सेप्शनली अगर लें तो इससे पहले बैरियर्स बहुत ज़्यादा पूछा गया है ना। तो एक बार से हम लोग ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं, लेकिन हाँ अगर अगली बार भी नहीं आता, उसके अगली बार भी नहीं आता, फिर आता ही नहीं है, तो हम इसको फिर बोलेंगे कि यार इसको बस शॉर्ट में देख लो, इसको ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा नहीं है ना। तो इसीलिए इस बार भी हमने इसको शॉर्ट में पढ़ा है। हालांकि इतना ही जानना है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, यूजीसी नेट जो है वो टर्मिनोलॉजी का गेम है। आपको एक एक शब्द का बस दो दो लाइन में मतलब पता होना चाहिए, कोई चिट्ठा आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जितने प्रकार के बैरियर हैं आई होप आपको समझ में आ गए, है ना। तो यहाँ पे सिमेंटिक बैरियर का एक चित्र भी बना है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है डीएनए, ये कह रहा है प्रेडसेल, ये कह रहा है इन्फिनिटी, है ना। तो कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिनका नाम हम लोग को शायद नहीं पता होगा, सर्च करना पड़ेगा। तो जो डीएनए है वो क्या है, वो डॉक्टर्स लोग जानते हैं। आजकल सांस बहु सीरियल ने तो कॉमन कर दिया है शब्द डीएनए टेस्ट कराएंगे, कि सांस बहु सीरियल्स में दिखाते हैं ना कि भाई किसका बच्चा है ये, इसका डीएनए टेस्ट होगा, तो उससे तो क्लियर हो गया है। बट अगर सांस बहु सीरियल्स में इतना पॉपुलराइज नहीं होता तो फिर लगता है यार डीएनए क्या होता है। उसके बाद प्रेडसेल भी कुछ होगा, कोई शब्द होगा, है ना, सर्च ही कर लेते हैं। पी आर ई टी जेड ई एल, प्रेडसेल मीनिंग। ओके, प्रेडसेल, क्रिस्प बिस्किट बेक्ड इन द फॉर्म ऑफ नॉट और स्टिक एंड फ्लेवर्ड विद सॉल्ट, है ना। तो प्रेडसेल आपको समझ में आ गया होगा क्या है। कभी कभी हम लोग चाय के साथ खाते हैं ना, एक जो यहाँ पे कभी कभी टाई की जगह जो बो लगाते हैं ऐसे मुड़ा हुआ, वैसा वो पापड़ी सी होती है ना, ऐसे मुड़ी हुई होती है, तो उसको कभी कभी हम लोग चाय के साथ खाते हैं तो वो प्रेडसेल कहलाता है ना। ये देख सकते हो इमेज वगैरह में भी, है ना। तो ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ सा है, एक टाइप का बिस्किट है या बेकरी आइटम है। ओके,
तो इसी तरीके से इन्फिनिटी भी हो गया। तो ऐसे कुछ शब्द हैं कि भाई मान लो हमें भाषा समझ में आ रही है लेकिन उसमें कोई शब्द नहीं समझ में आया, तो हमारा सेमांटिक बैरियर हो जाएगा। ओके ठीक है, ओके ओके चलो ठीक है। अभी के लिए मेरे हिसाब से इतना जानना काफी है, आज मुझे लग रहा है क्लास थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना जानना काफी है। बाकी की जो चीजें हैं और जो नई चीजें हैं बेसिकली, है ना, जो आप लोग आप कह रहे हो कि भैया जो नए क्वेश्चन है उसकी एनालिसिस हम कब करेंगे। देखो सारे नए क्वेश्चन की हम एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि एक बार आ गई हैं गलती से, उसके बाद रिपीट नहीं होंगी। जैसे मास मीडिया के मैंने आपको कल बताया कि बहुत सारे टर्म्स हैं जो अब रिपीट नहीं होंगे, एक बार आ गए हैं लेकिन हो सकता है अब दोबारा ना आए, तो उनको हम लोग बिल्कुल भी नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें दिमाग लगाने से क्या फायदा। इस बार कुछ पेपर में ऐसा आया जो पहले कभी नहीं आया और उसको हमने पढ़ डाला जा करके, है ना, कि बहुत सारे टर्म्स हैं कि मास मीडिया में जो अलग अलग पॉलिटिकल टर्म्स होते हैं या और भी बहुत सारी कहानी है, तो उसको अभी स्टडी करने का फायदा नहीं। हाँ लेकिन अगर ऐसा होता है कि नेक्स्ट टाइम भी ये ट्रेंड सेट रहता है और बहुत ही फालतू के मास मीडिया के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको हम लोग पढ़ लेंगे, है ना, उसको हम लोग देख भी लेंगे, बट अभी उसको देख के कंफ्यूज होने का कोई भी फायदा, है ना। बाकी रहे इस बार के क्वेश्चंस, तो अभी वो हम लोग एक काम करते हैं, अगले हफ्ते से हम लोग जो नए क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि नए क्वेश्चंस भी सेम वैसे ही हैं जैसे अभी हम लोग जितने हम लोग ने प्रैक्टिस करे क्वेश्चंस की, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एकदम डिफरेंट नहीं है। लाइक समझ लो 20% कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं इस बार जो एकदम अलग हैं, बाकी 80% वही हैं जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके प्लस पे कौन सा कोर्स होगा, वही पेपर उनका कोर्स होगा। तो अभी तो हमारा हायर एजुकेशन स्टार्ट होने वाला है 7 तारीख से, और उसके बाद मैथ्स भी हम लोग करेंगे, और उसके बाद जो चीजें बच गई हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, जो भी चीजें हैं, कम्युनिकेशन, उसको हम लोग उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो प्लस बैचेस बेटा स्टार्ट हो चुके हैं अन अकेडमी पे, है ना। मेरी क्लास जो है वो 7 तारीख से है। पिछले महीने हम लोग ने लॉजिकल रीजनिंग को पूरा कवर किया है उस कोर्स में, और हमारा जो ये वाला महीना है इसमें हम लोग हायर एजुकेशन को कवर करने वाले हैं। अगेन हायर एजुकेशन में भी जो क्वेश्चंस हैं खासकर प्री इंडिपेंडेंस के, वो बिल्कुल सरदर्द हैं। जो प्री इंडिपेंडेंस के इस बार क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही बेकार आप कह सकते हो क्वेश्चंस हैं। कहाँ कहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से इन लोगों ने दे दिया है, एक फिक्स सिलेबस इन लोग का नहीं है। तो हमेशा आप देखोगे कि हर सेक्शन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है वो फालतू के होते ही हैं। जब मैं एक एक क्वेश्चन देखता हूँ, एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस करता हूँ, तो मेरे दिमाग में आता है कि यार ये सब क्वेश्चन कहाँ से दे दे रहे हैं ये लोग, है ना। बट देखा जाएगा जो भी क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा रिपीट होने लगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चंस जो मान लो कि इतने सेट्स हैं इस बार के, उसमें अगर कोई कंसेप्ट बहुत बार रिपीट हो रहा है तो वो मैं पढ़ा देता हूँ। इसके अलावा अगर पिछले बार भी ये कंसेप्ट आया, भले नया था, इस बार भी आया, तो ये एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि हाँ ये अब जो है इंक्लूड हो गया सिलेबस में। लेकिन वो टॉपिक्स जो भाई एक ही बार, एक ही किसी सेट में एक बार कोई क्वेश्चन आ गया, तो वो लगता है वो उसको नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो उसके रिपीट होने के चांसेस कम है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में भी मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कभी कभी बहुत नई थियरीज पूछ लेते हैं, है ना। जैसे हम लोग को कुछ थियरीज तो पता है, जीन पियाजे की थियरी है, बिहेवियरिज्म में है ना, लेकिन कोई कोई थियरी एकदम अजीब सी पूछ ली है और वो एक ही क्वेश्चन है। मतलब जितने मैंने 15 पेपर देखे तो उसमें एक ही पेपर है जिसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा है, तो उस थ्योरी को पढ़ने का को कोई फायदा नहीं।
अगर हम लोग एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ने लगे तो भैया पूरा हमारा एक साल निकल जाएगा और हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इतना बड़ा ये कोर्स हो जाएगा। तो अभी हम लोग का जो तरीका है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है पढ़ने का, कि जिन जिन की अकरेंस बहुत ज्यादा है, जो जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं टॉपिक्स, उनको पढ़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉडरेट बेस है तो बुक रीडिंग जरूरी है या PYQ प्रैक्टिस वुड बी इनफ? देखो यार, आज की डेट में तो मुझे लग रहा है कि अगर आप फिक्स्ड किताबें पढ़ रहे हो जो मार्केट में आ रही हैं, उनमें से ज्यादातर किताबें अपडेटेड बिल्कुल भी नहीं है आज के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से। अगर आपके पढ़ने का सोर्स केवल बुक्स हैं, कि आपने कोई UGC नेट की प्रेपरेशन गाइड ले ली है, मुझे लगता है कि ये आपको बेसिक बेसिक नॉलेज तो हो जाएगी, मान लो 50 में से आपके 10-15 क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अब ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सिलेबस को बहुत रैपिडली चेंज किया जा रहा है, मतलब फालतू के तो क्वेश्चंस हैं ही, लेकिन कुछ नए कंसेप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आज तक इसका रिकॉर्ड है, मतलब नेशनल एजुकेशन जब पॉलिसी आई तो 2021 में उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए, और 2021 के दोनों पेपर्स में, 2022 के दोनों पेपर्स में, और अब 2023 के दोनों पेपर्स में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज्यादा आया है ना। इस बार भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, और वो सारे क्वेश्चन बहुत डीप से आए हैं, कोई ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं आए हैं कि क्या इसका फुल फॉर्म क्या है या किस ईयर में हुआ था, ये सब नहीं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है इससे क्वेश्चन आए हैं ना। इनफैक्ट मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, हायर एजुकेशन में क्वेश्चन है कि उसमें पूछा गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से इंडिया में एक ग्लोबल एजुकेशन हब बनाया जाएगा, जिसमें सस्ते से सस्ती एजुकेशन, बेटर से बेटर क्वालिटी की एजुकेशन सबको प्रोवाइड हो जाए, और ये करके इंडिया अपनी पोजीशन को कैसे रिस्टोर, कौन सी पोजीशन को रिस्टोर करेगा, इंडिया अपनी कौन सी पोजीशन को दोबारा प्राप्त करेगा, है ना। उसका सही आंसर है विश्व गुरु की पोजीशन को। अब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे, मैंने मैंने सोचा पहले वेरीफाई करूं कि ये चीजें सही हैं या गलत हैं, बट उसके बाद मुझे पता पड़ा कि चीज सही है। तो आप सोचो कि कितना डीप से आ रहा है, कि उसमें NEP में एक पॉइंट होगा कि भाई हम ग्लोबल हब बनाएंगे इंडिया को, और फिर से अपनी अपने इंडिया के विश्व गुरु की पोजिशन को रिस्टोर करेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि क्या आपको पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ना पड़ेगा? भाई एक तो ये तरीका है कि पूरा, हाँ, पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ के रट लो, अपने अंदर डाल लो, या एक तरीका है जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको एक बार आप देख लो, अगर वो अगले बार आपको कुछ काम आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर एकदम ही नई कोई चीज फिर से कहीं डीप से कुछ पूछ ले रहे हैं तो उसको छोड़ देना ही समझदारी होगी। तो जो UGC नेट है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम अब नहीं रह गया है कि हाँ भैया ये बुक आती है इसको हम पढ़ लेंगे पेपर हो जाएगा। बाकी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसे ही हैं कि कुछ उसका कोर सिलेबस है उसको हम पढ़ते हैं और पेपर दे के आते हैं, लेकिन UGC नेट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया, मतलब क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप अभी आज की डेट में ये हो गया कि अगर आप केवल आप ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की स्टडी करके चला जाऊं, तो उसमें आपको प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। मान लो कोई एक टॉपिक है जो एक ही बार आया उसके बाद कभी नहीं आया, और आप वो पढ़ने में अपना समय व्यतीत कर रहे हो, तो वो भी एक गलत स्ट्रेटजी हो जाएगी। जैसे पहले मैं कहता था कि आप भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जो जो आ रहा है एक एक वर्ड देखते जाओ, वो तैयार करके जाओ, लेकिन आज की डेट में आपको देखना पड़ेगा कि ये वर्ड अकर हो रहा है दोबारा कि नहीं। जैसे मान लो एक थ्योरी आ गई टीचिंग एप्टीट्यूड में, मैक लुहान की थ्योरी, है ना, तो मैक लुहान की थ्योरी का क्वेश्चन आपके सामने आया, अब आप गूगल पे गए, आपने पूरा सर्च करा, पूरा अपने अंदर डाला, बाद में आपको पता पड़ा कि उसके बाद कभी पूछी नहीं गई, तो वो मेहनत आपकी बर्बाद हो गई ना। तो अब ये है कि मैक लुहान मान लो 2-3-4-5 क्वेश्चंस में आकर हो गया, तो आप समझ जाओगे कि अरे टीचिंग एप्टीट्यूड में मैक लुहान की थ्योरी इंक्लूड हो गई है ना। तो मैक लुहान की थ्योरी शायद 2022 में आई थी एक क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद उससे ना पहले पूछी गई थी और उसके ना बाद में पूछी गई, तो ऐसी थ्योरी पढ़ने का और पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो अब ये गेम जो है ये PYQ से भी एक कदम ऊपर उठ गया है और प्रोबेबिलिटी में चला गया है ना, कि किस टॉपिक के अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है। कंसेप्ट समझ में आ जाता है और PYQ समझ में नहीं आता, इसका मतलब आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया है, बात समझ रहे हो? जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो PYQ भी समझ में आ जाएगा।
आप पीवाई उल्टा उल्टा पढ़ाई करो, रिवर्स पढ़ाई करो। पहले पीवाईक्यू को समझो, उसके बाद कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट समझ के क्वेश्चन पे मत जाओ, क्वेश्चन समझो और उसके बाद कंसेप्ट पे जाओ, एंड देन फिर कुछ दिनों बाद कंसेप्ट से क्वेश्चन पे आओ। तो ये टू एंड फ्रो आपको करना पड़ेगा। ऐसी अभी ये पढ़ाई नहीं है कि आपने ये अच्छा ये किताब पढ़ ली, अब ये एकदम बढ़िया से क्वेश्चन आ गए और आप इसको कर लोगे, है ना। आगे पीछे थोड़ा करना पड़ेगा, कभी क्वेश्चन पढ़ के कंसेप्ट समझोगे, कभी कंसेप्ट पढ़ के क्वेश्चंस लगाओगे, तो ये दोनों प्रोसेसेस आपको करने पड़ेंगे। जब तक पढ़ते हैं तब तक समझ में आता है, रिवीजन करते हैं लगता है कुछ नहीं समझ पा रहे, क्या करें। इसका मतलब यह है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो एक प्रोसेस आपका पूरा हो रहा है पढ़ने का और समझ पाने का, है ना। लेकिन अभी अपना दिमाग चलाने का प्रोसेस बाकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम साइकिल चलाना सीखते हैं और किसी को साइकिल चलाता हुआ देखते हैं तो हमें लगता है ये प्रोसेस समझ में आ गया, लेकिन जब हम खुद चलाने जाते हैं तो हमसे फिर गलतियां होती हैं। कभी कभी देख के लगता है हाँ हाँ समझ में आ गया कर लेंगे, लेकिन खुद करने जाते हैं तो गलतियां आती हैं। तो एक समझ जाने का प्रोसेस आपका क्लियर है, लेकिन अभी खुद दिमाग चलाने का प्रोसेस नहीं क्लियर है, वो प्रैक्टिस से ही सही होगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा और खुद भी आप चीजों को समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। अभी एक स्टेप क्लियर है, अगला स्टेप क्लियर करना बाकी। ठीक है, इतने ही टॉपिक ठीक है। मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अकर होने की। जो एक एक आध बार आ गए हैं उनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जैसे काफी बच्चे पूछते हैं हॉट मीडिया और कोल्ड मीडिया के बारे में। अब क्यों पूछते हैं? क्योंकि एक या दो बच्चों के पेपर में इस बार हॉट एंड कोल्ड मीडिया आया है कम्युनिकेशन में। ये भी अगेन मास कम्युनिकेशन का ही टॉपिक है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ मास कम्युनिकेशन से इस बार बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चंस बना के दिए। अब इस बार के मैंने सारे पेपर्स देखे हैं और उसमें दो बार ये आया है। अब कभी कभार क्या होता है ना, कोई टॉपिक ऐसा होता है उसका नाम ऐसा होता है कि बच्चों के दिमाग में छप जाता है, तो वो टॉपिक आपको ज्यादा सुनने में आता है कि अच्छा ये क्या है, हॉट मीडिया कोल्ड मीडिया क्या है, है ना। तो हॉट मीडिया कोल्ड मीडिया में कुछ नहीं है, जिसमें एंगेजमेंट ज्यादा है जैसे ऑडियो विजुअल्स हैं तो वो हॉट मीडिया है, न्यूज़पेपर वगैरह कोल्ड मीडिया है, जिसमें एंगेजमेंट कम है या जिसमें आपको ध्यान ज्यादा पुट करना पड़ता है, तो यही डिफरेंस है। बट ये ऐसे टॉपिक्स जो है ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अब आने वाले समय में नहीं आएंगे, एक बार दे दिए गए तो दे दिए गए, उसके बाद नहीं आएंगे। जैसे आप सबको याद हो गया होगा टीचिंग एप्टीट्यूड में एक बार हैट सिस्टम आया था, आप लोगों को याद है, आप सबको पता होगा किसी एक पेपर में एक क्वेश्चन आया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर हो गया कि सब बच्चे पूछने लगे ये हैट सिस्टम क्या है, हैट सिस्टम क्या है, ग्रीन हैट ब्लू हैट येलो हैट पर्पल हैट। आज तक वो क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया है। एक सेट में ये क्वेश्चन आया था हैट सिस्टम का और एकदम से उसकी पढ़ाई चालू हो गई, क्या है क्या है क्या है, आज तक ये क्वेश्चन अब दोबारा नहीं दिखाई दिया है। तो अगर एक एक जो टॉपिक आपके सामने आएगा अब आप सोचोगे कि यार इसको भी तैयार करें, इसको भी तैयार करें, इसको भी तैयार करें, तो वो भी अब आज की डेट में वो अब सही तरीका नहीं होगा। आज की डेट में मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी बेस्ड, कौन सा टॉपिक कितनी बार अकर हुआ है, कितने इयर्स में अकर हुआ है, इसके बेसिस पे उसको पढ़ना है ना। तो वही है कि कोशिश मैं यही कर रहा हूँ, मैंने जितना भी फोल्डर्स बना के सारे क्वेश्चंस अलग अलग करता हूँ, अलग अलग सेक्शन के अंदर के अलग अलग टॉपिक्स के, उससे कोशिश कर रहा हूँ ये पता लगाया जा सके कि कौन सा टॉपिक कितनी बार अकर होता है, और उस हिसाब से अब मैं अपने नोट्स बनाऊंगा। पहले मेरे नोट्स पीवाईक्यू बेस्ड होते थे, आज भी होंगे, लेकिन उनमें अब एक स्टेप बढ़ जाएगा प्रोबेबिलिटी का, और शायद ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर जो मेरे नोट्स होंगे, जैसे आप लोगों को पता है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले किस ईयर में वगैरह में आया है दिखता है, अब आपको प्रोबेबिलिटी भी उसके अंदर दिखाई देगी कि ये क्वेश्चंस जो है ये इतने परसेंट टाइम जो है या इतनी बार जो है अकर हुआ है, या ये टॉपिक इतनी बार अकर हुआ है ना। तो अब हमें इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा और मेरे हिसाब से यही स्मार्टेस्ट तरीका होगा। AI भी प्रोबेबिलिटी पे ही काम करता है, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप इसको भी बस वही तरीका कह सकते हो AI के तरीके से पढ़ना कि किस चीज़ के अकर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उस हिसाब से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया था प्री इंडिपेंडेंस हायर एजुकेशन से किस विषय के पढ़ाए जाने की प्राथमिकता है, ह्यूमैनिटीज के सारे विषय हैं, इसी बार क्वेश्चन आया था। तो जैसे मैंने बोला हायर एजुकेशन में प्री इंडिपेंडेंस से काफी डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो साइंस से ज्यादा
प्री इंडिपेंडेंस में या वैदिक काल में ह्यूमैनिटीज पे ज्यादा जोर दिया जाता था। हाँ थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा पेपर वन का, जो पहले नहीं भी करते तो चलता था। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ पीवाईक्यू एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, बट अब ये थोड़ा लग रहा है अब कंपलसरी सा होता जा रहा है। जो आप जॉब की बात कर रहे थे, जॉब का अभी तो क्राइटेरिया ओवर हो गया है, फिर आएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना। ओके, ओनली पीवाईक्यू इनफ और MCQ 2 इज इम्पॉर्टेंट। एमसीक्यू को मत देखो, मैं हमेशा कहता हूं, अभी मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था उसके ऊपर कि एमसीक्यू जो है वो आपको सही जानकारी नहीं देगा। कंसेप्ट की प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू अच्छा है, लेकिन यूजीसी नेट का पैटर्न आपको एमसीक्यू से नहीं पता चलेगा, तो पीवाईक्यू पे ज्यादा ध्यान दो। ओके ठीक है। ओके सीरीज एक वीडियो अपकमिंग आ रही है, एक वीडियो अपकमिंग जो है वो किसी कारण से नहीं हो पाई थी, क्योंकि वही अनअकैडमी पे जो दिखा नहीं रहा है उस वजह से, तो वो पुरानी लगी हुई है, वो ट्यूसडे की लगी हुई है, ठीक है। तो होपफुली हम उसको कल कर लेंगे या फिर अगले हफ्ते कर लेंगे। ठीक है, तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही है। आज एक छोटा लेक्चर था, है ना। तो बस थोड़े से टर्म्स आपको बैरियर्स में जानने हैं, बट अभी बैरियर्स जो है बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या रिपीट हो रहा है वो सब मैंने पढ़ाया है, जैसे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, बहुत हर हर पेपर में एक क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का ज़रूर है, हर पेपर में इमीडिएट इन्फ्रेंस का एक क्वेश्चन ज़रूर है इस बार, उसके बाद हर पेपर में कन्वर्जन और ऑब्वर्जन का एक एक क्वेश्चन जरूर है, और उसके बाद हेतुवाभास का एक क्वेश्चन जरूर है, और उसके बाद जो इनफॉर्मल फैलेसीज होती हैं उसका एक क्वेश्चन जरूर है। मतलब ये इस बार का आप कोई भी पेपर उठा के देखो, आप अपना ही पेपर उठा करके देखना और आप इस पैटर्न को उसमें पाओगे। लॉजिकल रीजनिंग में जो 5 क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं 5 टॉपिक के हैं इस बार, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, इमीडिएट इन्फ्रेंस, कन्वर्जन ऑफ वर्जन, हेतुवाभास एंड फैलेसीज। किसी किसी पेपर में यहां फॉर्मल फैलेसी पूछ ली गई है, बट जनरली ये इनफॉर्मल फैलेसी से क्वेश्चन आया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेटा प्रैक्टिस करो, और मैंने तो आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कराया हुआ है, सारे क्वेश्चंस वगैरह, जितना ज्यादा लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे उतनी प्रैक्टिस आपकी होती चली जाएगी। जितने भी पीवाईक्यूज हैं, ओल्ड टू न्यू वो करना इनफ है। हाँ मैं जब भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस की बात करता हूं तो जितने भी पीवाईक्यूज हैं, है ना, जैसे आप मान लो 2018 से लेके चलो या 2019 से लेके चलो, जब से एनटीए करवा रहा है, और उससे टिल डेट तक अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहते हो तो वही उसी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। डेली क्या है कि आप 10-15 क्वेश्चंस कोई भी उठा लो रैंडमली, उनको लगाने लगो। स्पेशल क्लास अभी तो नहीं हो रही है, जब भी होगी तो मैं ऐसी क्लास में आपको यूट्यूब में बता दूंगा। प्रीवियस ईयर आंसर बेटा जब भी रिलीज होता है तो आपको तुरंत उसे सेव कर लेना होता है ना, हर साल जब भी रिलीज होगा या हर बार जब भी रिलीज होगा तो आपको उसे सेव कर लेना होता है, क्योंकि फिर वो आंसर रिमूव हो जाता है और बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मेरी तो आदत है, मैं हमेशा सेव कर लेता हूँ आंसर्स, जब भी रिलीज होते हैं मैं तुरंत उसको एक हार्ड डिस्क में अपने एक जगह पे सेव कर लेता हूँ। तो 2018 से मेरे पास सारी आंसर कीज हैं जो रखी हुई है। लॉजिकल रीजनिंग भी जल्दी स्टार्ट होगी, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग हो सकता है अगले हफ्ते लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट कर दें। ओके okay.
ठीक है गाइस, तो चलो आज के लिए इतना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से दबा दें। ठीक है, मिल सकते हैं बिल्कुल, आप सबके लिए फ्रीली अवेलेबल हैं वो सारे के सारे। ठीक है, तो चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।